के खान साहब दी उस टाइम तो कवाली ना ना सुना तो मैंने बेचैनी हो जानी। मैं मामू ने कहना हाफिज साहब ने कहा मैंने कवाली लाजमी सुनाओ। NY की न्यूज़ सब्सक्राइब नाउ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थोड़ा मेज़बान वसीम प्यारे थोड़ी खिदमत विच एक और नगीना लैके हाजिर होया। तुहानू पता साढ़े पाकिस्तान दे विच टैलेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें डिलीवर करना पैंदा है। कुछ ऐसे मामलात आते हैं किसी के घर के कोई टेंशन बन गई, कोई होर मामलात हो गए, तो मेरा नाम मौजूद फरहान अली। अच्छा माशाल्लाह ये मेरा ना बचपन का दोस्त है, तकरीबन कोई पंजवीं छेवीं क्लास पढ़ते ऐसे उदन का गावन का शौक है इन्हू, बड़ा अच्छा गा लेंदा, बिचू मोड़ छोड़ दी तो गावना। खैर गप शप करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई सब तो पहले तो ये दसो कि इस फील्ड के अगे थोड़ी आवाम तुम मोह वाड़ा आयो। सर सब तो पहले मैं बहुत थोड़ा शुक्रगुजार हाँ वसीम भाई का कि जिन्होंने अपने कीमती टाइम चु मेरे वास्ते टाइम कढ़िया ताकि लोग मैं वेख सकन, ये उन्होंने बड़ी मेहरबानी वसीम साहब की कि इन्ना सफ़र करके पाने मेरे वास्ते फैसलाबाद तशरीफ लिया है, थोड़ी बड़ी मेहरबानी है। ये मैं तकरीबन 4 साल का हाँ, तो मेरे मामू हाफिज़ वाजिद अली जिन्ह के मोबाइल तो मैं उदों सुनता सी, हैंड फरियाँ ला के हुंदा सी रेडियो ये सुनता सी, FM तो कवालियाँ लगदियाँ, तो उदों अमूमन कवाली लगती सी तुम्हें गोरख दंदा। अच्छा हाँ जी खान साहब उसाब नुसरत अली खान साहब की, तो वह कवाली सुनद्या सुनद्या मैं ना उन्होंने चो एक चीज़ बड़ी ज़्यादा पिक करता सी सरगम खान साहब की। अच्छा तो वह मैनू समझ तो इन्नी नहीं सी आती लेकिन मैं मज़ा बड़ा आता से कि मैं कि मेरे जहन मतलब कि एक ऐसी कैफियत तारी हो जानी जिंदा कि मैं कि खान साहब की उस टाइम तो कवाली ना ना सुना तो मैंने बेचैनी हो जानी। मैं मामू ने कहना हाफिज साहब ने कहा मैंने कवाली लाजमी सुनाओ। तो जो जिमें जिमें थोड़ा थोड़ा हौली हौली मैं व्डा होया फिर होर गजल फिर काफ़ी हालात भी चेंज होते रहे, तो फिर आस्ता आस्ता असें अबू के नाल कि जाना रस्ते कवाली को लगनी तो मैं हाथ मारना। वालिद साहब आ जी वो बकायदा सिंगर हैं? नहीं नहीं बकायदा सिंगर कोई ना, उन्होंने तो एक फ्रूट वाली दुकान सी चनियोट दे विच, ते ए बस साढ़े खानदान तकरीबन कोई भी नहीं, जेडे मेरे नाना ना मुफ्तियां, दादा मेरा मुअज्जना मोरतेन के लोड़ा तो एक मुफ्ती शुफ्ती बन जावे यार। बस अपने अपने शौक दी गल ते मैं खान साहब नु पिक करदियां करदियां सारी उम्र गुजर जानी उन्होंने पिक करदियां, लेकिन उन्होंने वर्गा ते ना कोई है ना कोई आना। वो तो गल बजा है थोड़ी। अच्छा तुसी जे जिंदगी दे विच पहला गाना गाया कि नहीं परफॉर्म कीता जी किसी स्टेज ते जाके, थोड़ी उस टाइम उम्र कितनी आ ते किहड़ा गाना गाया ते ऑडियंस दे थ्रू थानू कैसा आगू उन्हां दा रिएक्शन के आ? ये तकरीबन जी आज तो 12 साल पहले तकरीबन दी गल है। 12 साल हाँ उम्र कितनी आ थोड़ी? उम्र तकरीबन होई गई उदों मेरी 8 साल या तकरीबन 9 साल। अच्छा बच्चियां वाली उम्र? हां जी बिल्कुल 2 क्लास है मैं पढ़दा दूसरी च। अच्छा ते उदों प्रोग्राम होया सी करोड़िया पार्क भवाना दे विच, ते पाकिस्तान मजदूर मुआज वाले ने करवाया सी, डॉक्टर अली अमीन साहब इंजनियोट उन्होंने प्रोग्राम करवाया सी, उन्होंने जेर सदारत एना 6 सितंबर दे वाले ना प्रोग्राम सी। अच्छा ते तकरीबन बुआना दे जिन्हें भी प्राइवेट गवर्नमेंट वाले स्कूल से ना उन्होंने बच्चों को उन्होंने जो उन्होंने कोल फन सी ओ उन्होंने सारे नु सिलेक्ट किया पेश किया, ते जेदे विच फिर मैनू कवाली दा शर्फ हासिल होया। खान साहब उस्ताद नुसरत फतेह खान साहब दी कवाली से यादा मिछड़े सजन दी आईयां उदों ते बस रट्टी हुई सी, लेकिन खान साहब की जी सरगम सी उन्होंने जेडे टुटी भजी मैं कर सकता सी वह फिर मैं अपने जहन बिठा ली उन्होंने रट लिया चंगी तरह ताकि स्टेज ते मैं उन्होंने आसानी नाल पेश कर सकां। ते उदों दूसरी ची पढ़दा सी फिर ऑडियंस दा की रिएक्शन आ उस कवाली तो बाद थोड़ा? बस मैं जिवें आ कीती ते जिन्हें म्यूजिशियन आ वह भी हैरान हो गए कि इस उम्र च आ बच्चे की आवाज़ है या आ टैलेंट है, ते मैं फिर शुरू कीती ते तकरीबन 17-18 मिनट कवाली मैं काफी अरसा पहले वीडियो हालांकि टाइम तो थोड़ा होता होते हो। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ वो आमद भी बड़ी अच्छी हुई उस टाइम जेड़ा रट्टा सी मेरा वो मेरा जिम्मे जिम्मे चलता गया मैं बार बार वो चीज कहता गया आवाम दी नचना शुरू कर दिता बकायदा डॉक्टर अली मीन साहब ने जेड़ा हार उन्होंने पाया हुआ सी ना उन्होंने वो हार मेरे गले च पा दिता। माशाल्लाह अच्छा सब तो पहले स्टार्ट करो वो सही कवाली तो ताकि सारे नाज़रीन को पता लगे कि पता हो जाए कि वही फरहान है जेड़ा आज तक 12 साल पहले आ। बिल्कुल पेश करो जी।
यार मिले लजपाल मिले उते यारी ना बड़े चस है काफिर है जड़ा लाके यारी पिछुआ के मेरी बस है जे सिर दितिया यार मिले फिर सिर दे मन की कस सिर दे मीते बाबा बिना मंगी क्या बात है यो पीर फरीद दा दस है हो यादा बिछड़े सजन यादा बिछड़े सजन दिया आया यादा बिछड़े सजन दिया आया अखियां चुमी बसदा यादा बिछड़े सजन दिया आया अखियां चुमी बसदा यादा बिछड़े धानी धनी धारे सारे घरे धारे धानी धनी सारे सारे घरे धारे धानी धनी सारे धारे घरे धारे नीने दड़ 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 नीने 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 दड़ नीने दड़ 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 दड़ रे मारे रे मारे रे मारे रे मारे रे 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 मामा धरे गा मामा धरे धरे सा नीने दड़ 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 नीने दड़ 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 नीने दड़ 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 ਕਿਬਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਰਗਮ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਜਣ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵਾਗਿਆ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਦਾਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦਾਤ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਾਂ ਮੂਸੀਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ अपने तलक दी वजह तों साडे उस्ताद ने उस्ताद फरक फतेह अली खान साहब दे शागिर्द ने उनका नाम शमोन शाकर खान साहब क्रिश्चियन उन्होंने कोले मैं तालीम हासिल कीती मतलब कि उन्होंने बेटियों को थोड़ा बहुत मैंने दसने सारे गा पा नहीं सा मैंने उन्होंने दसिया हारमोनियम तो मेरा हाथ मतलब कि उन्होंने रखवाया उन्होंने बच्चों ने रखवाया अच्छा मतलब खाली तुसी सीख ही रहे हो हाँ जी सीखना उस तो बाद आज तो तकरीबन 1.5 साल पहले अबू दे फौत होने तो 4 महीने पहले अब मेरे इसरार थे क्योंकि अबू भी नहीं चाहते थे कि
इस फील्ड च आवे। ते अबू दे फौत होने तो 4 महीने पहले उस्ताद अमजद हुसैन नट ऑफ रजिया सादात फिर ला लो चन्योट हैं, ते उन्होंने मैंने शिगिरद किया, बकायदा मेरी रसम हुई ते उन्होंने मैं अपना शिगिरद किया, ते उन्होंने को मैंने हाले 3 सबक हुए ने, मतलब अच्छा साल दे मेरा जो सबक आलो तलक उन्हों का 3 बारी उन्होंने को गया। ते ये मेरे जिन्हें उस्तादों को तलीम ली, वैसे तो मैं जो कोल भी बैठा मैं इस काबिल हो गए मैं तो पूछ लेना कि यार सुर कि लगता क्या सही है गलत ठीक है, हो गया। मैं पूछ लेंदा हूँ। हूँ फिलहाल जी तलीम है उस्ताद अमजद हुसैन नट साहब मैनू गाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा फरहान भाई, एक मौसीकी एक ऐसा मुश्किल मराहल है जी सर जिदे विच वड़ जाना आसानी है, बिल्कुल इहदे विचों निकलना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्योंकि वो जिवें किसी बंदे आख्या ना, भाई मैं वो एक कोई राग ही है वो सीखना है, जी बिल्कुल शायद तुम पता हो सी गल जी दा। जी उस आख्या जो 100 साल राग है, बिल्कुल मतलब कि किड्डा लम्मा राग है। बिल्कुल हाँ अच्छा, इस बाद कोई और थोड़ा पसंदीदा सॉन्ग हो या कोई गजल हो जो तुम सुनाना चाहो। ये मैं खान साहब उस्ताद मैं दीसन खान साहब दी गजल है, वाह बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना दी, और दो शार में ताली नजर कर दें। बिस्मिल्लाह। बात करनी बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है, जैसी अब है, जैसी अब जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बात करें ले गया चीन के, ले गया चीन के कौन आज तेरा सब्रो करा बेकरारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसी तो न थी। बातें करे मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। बातें करे क्या सर जबरदस्त कमाल हो गया। इस मिन्नत में जारी रखो, अल्लाह पाक बरकत करे इंशाल्लाह सी ते मजीद इहदे विच होर बेहतरी लैके आओ। इस तो इंशाल्लाह बाद तुसीं अगे रिसेंटली एक साडा सिंगर दी डेथ होई है, अल्लाह पाक बिल्कुल बड़ा अफसोस होया जन्नत सिंगर दे विच आला शराफत मकाम अली अता फरमावे, शराफत अली खान बलोच हैं जी। बड़े अच्छे सिंगर हैं, सिंगर तो बाद विच आन, पहले इंसान बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल उन दे बारे ए आख रहे हैं कि शख्सियत बा कमाल हैं। बिल्कुल उन्हां दा कोई गाना अगर तुम याद होए तो वो सुना दो। ना मैं तो पहले ये दुआ कर सकें अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत अल फिरदौस चाले ताला आमीन मकाम अता फरमावे,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਜਣਾ ਯਾਦ ਬੜਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਤਨਾ ਅਰੂਜ ਦਿੱਤਾ ਅਰੂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਖੈਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਏ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਏ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ ਤਾਂ ਪਈ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਏ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੇਹਨ ਰੋਵੈਂਦੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਹਰੀ ਦਾਤੇ ਇਨ ਜਾਨ ਵੀ ਲੋਟੈਂਦੇ ਅਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਾਤੇਨ ਰੋਈਂਦੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਹਰੀ ਅਦਾ ਤੇ ਇਨ ਜਾਨ ਵੀ ਲੁਟੈਂਦੇ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਏ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਮਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਫਰਹਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸੁਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗੁਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼